जियाना होगा। जिल्ले हुमा, इस घर के चप्पे चप्पे पे मेरी हुकूमत है, और ये वो हुकूमत है जो किसी से जिंदगी में ली नहीं जा सकती। मां हूं मैं मुदस्सर की, डू यू अंडरस्टैंड? हुकूमत, आपकी गलत फहमी है मदर इन लॉ। अगर इतनी ही आपकी हुकूमत होती तो मैं आज इस घर में मौजूद ना होती, निकाल कर बाहर फेंक चुकी होती आप मुझे। लेकिन ना तो आपके फोर्स करने पे आपके बेटे ने मुझे तलाक दी और ना ही उसने दूसरी शादी की। और आपके जो ये हुकूमत है ना, सिर्फ चंद रोज की मेहमान है, बिल्कुल आपकी जिंदगी की तरह। भूल गई आप, एक बार कैंसर से बच चुकी हैं। खुदा ये मौका बार बार नहीं देता किसी को। तुम कौन सा किसी कैंसर से कम हो? मेरे बेटे की खुशियों को खा गई हो तुम। खुश रहते अगर आप दरमियान में ना होती तो। वो तो मैं हूं, और जल्दी जाने का कोई इरादा भी नहीं। मुदस्सर, समझा लो अपनी बीवी को, she's crossing her limits। माँ, ये सिर्फ मेरी बीवी नहीं, आपकी भांजी भी है। आप ही तो पसंद करके लाई थी इसे, क्यों भूल जाती हैं आप? काश तुम्हारी शादी मैंने उसी लड़की से कर दी होती। मैं ना सही, तुम तो खुश रहते, मुझको दो चार बच्चे होते तुम्हारे। माँ, ये बात ना किया करें, ये इसके बस में नहीं है। तुम्हें और मुझे खुश रखना तो इसके हाथ में है ना, ये तो वो भी नहीं कर सकती। मैं आज तक अपने फैसले पर शर्मिंदा हूं मुदस्सर। जो लोग दूसरों की खुशियों से जलते हैं ना, उन्हें अपने लिए खुशी डिमांड करने का कोई हक नहीं होता। मिसेस तौसीक हसन, करा देती ना अपने बेटे की उसी से शादी, मेरी जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी आपको, और वो भी मेरी उम्र से इतने बड़े अपने बेटे के साथ। अपनी अना की खातिर आपने अपनी भांजी की जिंदगी खराब कर दी। यू आर अ कर्स मिसेस तौसीक हसन, यू आर अ कर्स। ज़िल्लोमा, enough is enough। तुमसे तो यही उम्मीद की जा सकती है। Believe me, she's a curse। ज़िल्लोमा, तुम मेरी मां के बारे में सब कुछ जानती हो, इसके बावजूद तुम इस तरीके से बात करती हो उनसे। तुम्हारा दिल कैसे मानता है कि बूढ़ी और बीमार औरत को अपने अल्फाज और लहजे से इस तरह तकलीफ पहुंचाओ?
मेरी जिंदगी का हसीन तरीन दौर बर्बाद कर दिया उस औरत ने। इतने सालों से उसकी बीमारी से वो नहीं मैं लड़ रही हूं। इतने अरसे से सुन रही हूं कि वो मेहमान है, अब तो लगता है कि वो कभी मरेंगी नहीं। एक शैतान औरत है वो। जिंदा हूं मां, मेरी मां है वो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। किसी मर्द को हक नहीं पहुंचता कि वो अपने बीवी के हिस्से की खुशियों को अपनी माँ की जिंदगी के हाथों गिरवी रखते। और जो मर्द ऐसा करते हैं ना, उनकी बीवियां उनकी माँ की मौत का इंतजार ही करती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी खुशियां वापस चाहिए होती हैं। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। बात तो तय है कि रायान ऐसा नहीं है, वो बचपन से बहुत ही फर्माबरदार लड़का है। मगर ये जो हमला है ना, शातिर लुमड़ी, उसने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। हमला हरीम की तरह सीधी सादी और बेचारी नहीं है, बहुत चालाक है। वो जैसी भी हो, आप मेरी एक बात गिरा से बांध लें, वो कितना भी जोर लगाए, आप रायान और खमना को एक ढेला भी नहीं देंगे। हाँ भाई, बहुत जल्दी ख्याल आया तुम्हें आदत का। खाला बता रही थी तुम्हारे पाँव का दर्द अभी तक गया नहीं, किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करवाते? ये क्या बात कह दी भाई तुमने, शहर के बेहतरीन अस्पताल में बेहतरीन डॉक्टर से इलाज करा रहा हूँ, मुझे किसी चीज की कमी है क्या? नासिर, इतने दिनों से घर बैठे हो, खर्चा कैसे चलता है? अरे मेरी जान, नासिर घर में होते हुए भी ऑन ड्यूटी होता है। अच्छा, तो फिर आज बताओ ना अपनी नौकरी के बारे में, क्या काम करते हो, कहाँ काम करते हो? बिजनेस करता हूँ, बिजनेस शेख फैमिली के साथ। मैं यहाँ घर में बैठा रहता हूँ और तनख्वाह आती रहती है। और ये शेख फैमिली कौन है, इनसे क्या ताल्लुक है तुम्हारा? और तुम क्यों थानेदार बनी हुई हो भैया? आदत करने आई हो, इंटरोगेशन करने आई हो? औरतें बाल संवारती भी अच्छी लगती, बाल की खाल निकालती भी अच्छी नहीं लगती। तुम बस शादी की तैयारी करो, जिस दिन ये पट्टी खुल रही है मैं ये नेक काम कर रहा हूं। सर साहब ने आपको अंदर जाने से मना किया है। किसने? बड़े साहब ने। तो अब तुम दोनों मुझे मेरे ऑफिस में जाने से रोक। सर आप बड़े साहब से बात करके देखो। हटो। क्या?
मेरा ऑफिस है ये, मैं देता हूं तुम्हारी सैलरी, निकल आओ से। क्या लेके तुम लोग काम करो। क्या देख रहे हो तुम लोग, अपना काम करो। क्यों शोर कर रहे थे तुम यहां दफ्तर में, क्या बदतमीजी है ये? वो होता कौन है मुझे मेरे ही ऑफिस में आने से रोकने के लिए? उसको मैंने ऑर्डर दिया है, तुम्हारे पाप ने। क्यों क्यों, ये जाकर अपनी मां से पूछो, ये उसका हुक्म है। गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट। देखते हैं। जब मैंने मना किया था, इसको क्यों घुसने दिया दफ्तर में? सर ये खुद ही आ गया और आतिश। मैंने जब मना किया था कि ये दफ्तर नहीं आएगा तो कैसे आए अंदर? अरे शेखानी जी आइए, आप ही का जिक्र हो रहा था, आइए बैठिए ना। मुझे पता है मेरा जिक्र क्यों हो रहा होगा, ये लो। अरे जय नसीब, उम्मीद करता हूँ रकम पूरी होगी। रकम भी पूरी है और बात भी पूरी हो गई, अब ना तुम कुछ कहोगे और ना मैं कुछ और सुनूंगी। तो फिर ये जहमत करने की क्या जरूरत थी, अकाउंट में भेज दिए होते। अगर खुद ना आती तो फिर तुम्हारी इस हालत से लुत्फंदोज कैसे होती? से फाइज ने हरीम को तलाक दे दी? नहीं, ये कांटा निकालना जरा मुश्किल हो रहा है, जब तक निकल नहीं जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। फिर बंदे की खिदमात हाजिर है, हुक्म कीजिए आप। अब क्या कर लोगे तुम? आप मुआवजा तय करें, हरीम को फाइज से तलाक लेके देना मेरा काम है। ठीक है, मुंह मांगी कीमत मिलेगी तुम्हें। ठीक है फिर, तय हो गया, मिलता हूँ कुछ दिनों में, बस जरा ये जख्म ठीक हो जाएगा। ख्याल रखना ज्यादा ना बिगड़ जाए। डैडी ने अच्छा नहीं किया, इतनी इंसल्ट हुई है ना मेरी। हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं किया ना, लेकिन हमारे साथ नहीं अपने साथ। पर अब रयान वो और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। Have some water. Thank you. क्या करना है?
मेरी जिंदगी का हसीन तरीन दौर बर्बाद कर दिया उस औरत ने। इतने सालों से उसकी बीमारी से वो नहीं मैं लड़ रही हूँ। इतने अरसे से सुन रही हूँ कि वो मेहमान है, अब तो लगता है कि वो कभी मरेंगी नहीं। एक शैतान औरत है वो। सुन ले उमा, मेरी माँ है वो, कुछ तो खुदा का खौफ करो। किसी मर्द को हक नहीं पहुंचता कि वो अपने बीवी के हिस्से की खुशियों को अपनी माँ की जिंदगी के हाथों गिरवी रख दे। और जो मर्द ऐसा करते हैं ना, उनकी बीवियां उनकी माँ की मौत का इंतजार ही करती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी खुशियां वापस चाहिए होती हैं। अंडरस्टैंड? हेलो सर, मिस हरीम आई है। अच्छा, भेज दो अंदर। आइए मिस हरीम, बैठिए प्लीज। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपके फादर की तबीयत कैसी है? ठीक है, अल्लाह का बहुत एहसान है। चले, अच्छी बात है। देखें ना, अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे हॉस्पिटल का फायदा तो होता है। तो आज से आप जॉइनिंग देने आई हैं? जी नहीं, मैं आपको ये रकम लौटाने आई थी, अपने हॉस्पिटल में जमा करवाई थी। गिन लीजिए प्लीज। मिस हरीम, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? ये रकम मैंने वापस लेने के लिए जमा नहीं करवाई थी, ये तो इंसानियत के नाते मेरा फर्ज बनता था। इंसानियत पर मेरा एतबार उतना पुख्ता नहीं रहा कि मैं किसी भी राह चलते का एहसान सर पर लूं। आपने मेरी मदद की, उसके लिए बेहद शुक्रिया, लेकिन मैं ये रकम नहीं रख सकती। इस दिल पर एहसानात के बोझ बहुत ज्यादा है, मजीद एहसान का बोझ पड़ा तो शायद धड़कन ही रुक जाएगी। तलख करामी के लिए माफी चाहती, लेकिन मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है। सरीम, बात सुनिए मेरी। आपने मुझे क्या समझ रखा? मैं कोई राह चलता आवारा अयाश इंसान हूं जो किसी लड़की को तन्हा देखकर उसकी मदद करने के बहाने से उसके करीब आने की कोशिश करे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एहसानमंद हूं आपकी, आप इतने मुश्किल वक्त में मेरे काम आए। तो फिर एहसान का शुक्रिया अदा करने का कोई अच्छा तरीका ढूंढ लेते हैं। ये क्या बात हुई कि किसी इंसान की जात को मशकूक बनाकर उसे उसी की नजरों में शर्मिंदा कर दे? एंड बाय द वे, मैंने जो भी किया अपना फर्ज समझकर किया, किसी पर कोई एहसान नहीं किया मैंने। और जॉब भी मैंने आपको इसलिए ऑफर की थी क्योंकि आप खुद आई थी इंटरव्यू के लिए। मेरे दिल में कभी कोई खोट नहीं था। I'm sorry. लेकिन अगर तल्ख कलामी सिर्फ आप अपना ही हक समझती हैं तो ठीक है, यूं ही सही। मिस हरीम, आपकी तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ आपको?
मेरी तबीयत खराब हो रही है। आप चलें मेरे साथ, आइए। ठीक है, ओके, okay? I'm sorry. हमने महसूस किया है कि जमदा आजकल कुछ परेशान रहता है। हम हर वक्त जमदा का साथ रहता है, मगर कोई सबूत नहीं मिला। उसको खुला छोड़ो, दूर से उसके ऊपर नजर रखो। जब से सबका नजर है तुम पे, कोई हादसा नहीं हुआ है। आपको जो ठीक लगता है बिल्कुल वैसा ही करो। हमारी मोहब्बत को तो आप निशान लगा के छोड़ गए हैं। जो तुम्हारे लिए निशान है ना, हमारे लिए तीर है वो तीर। घर का माहौल बदलने का इससे बेहतर और कोई मौका नहीं हो सकता। अब बरलास और पाना की शादी करते हैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हारा कोई चीज गुम हो गया है जो तुमने सब से छुपा के रखा था? मैं सलीम, शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया। I'm sorry for that. आप अपनी जगह ठीक है सर, नेकी के बदले में बुराई और इल्जाम मिले तो इंसान के लिए बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। मैं तो बस ये ऐसे देने आई थी आपको। तने क्या कुछ कह गई मैं भी। एक बात पूछूं आपसे, आपने मेरी कंपनी में जॉब करने का इरादा क्यों तब्दील किया? पता नहीं, मुझे लगा कि आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। मुझे खुद पे एतबार नहीं है। मैं सरीम, मैंने जिस तरह आपको अपने वालिद के लिए परेशान, फिक्रमंद, दुखी होते देखा है, ऐसे सिर्फ खुलूस और एतबार वाले लोग ही होते हैं जो मोहब्बत करना जानते हैं, रिश्तों को निभाना जानते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब ऐसे लोग मेरे साथ काम करते हैं। मैं आपको दोबारा जॉब ऑफर करता हूं, प्लीज कंसिडर इट। सरीम, क्या हुआ? मैं बहादुर बनना चाहती हूँ। अपनी बेगुनाही का सांस अपनी आंखों में भर के मैं दुनिया से नजर मिलाकर देखना चाहती हूँ। जुर्म ना करके भी मुजरिम होने का एहसास मेरे अंदर से नहीं निकल पा रहा।
मैंने भाई इसको वहां देखा तो ऐसा लगा जैसे दुनिया मुझ पे हंसेगी, मुझ पे उंगली उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेंगे। मैं इतने इल्जामात के जवाब कहां से लाऊं? कहां से? इस दुनिया की इतनी परवाह न करो मेरे बच्चे, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हें। अरे बेटा, इस दुनिया ने तो बड़े बड़े औलिया पीर फकीरों को नहीं बख्शा, उन्हें भी इल्जामात के संगीन कटहरों में लाके खड़ा कर दिया, फिर तुम्हारी क्या बिसात है मेरी बच्ची? बड़ी जालिम है दुनिया, ये हमदर्दी के नाम पे जिगर छलनी कर देती है, सीने से दिलों को टुकड़ करके बाहर निकालती है। बेटा, इस दुनिया से जितना डरोगी, जितना भागोगी, उतना ही तुम्हारे पीछे भागेगी और तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दुनिया से लड़ने के लिए लोहे का दिल चाहिए बेटा, लोहे का। मैंने जब वाइस को मार देखा, वैसे लगा जैसे और पर से हर रखते हैं कमांड। सारे बातें भूल गई जो तब सीखी। बेटा, सब चीजों को छोड़ के तुम्हें फाइल्स को दिल से बताना। पता नहीं मेरा तुम्हारा साथ कितने दिन का है, लेकिन मैं अपनी आंखें बंद करने से पहले तुम फिर से वैसा ही निडर बहादुर और अपने फैसलों पे अड़ जाने वाला देखना चाहता हूं। मैं ऐसे हरीम को देखना चाहता हूं जो झूठ और बातिल की आंखों में आंखें हल्के से ललकारा कर। हौसला करना होगा मेरी बच्ची, हौसला। क्या क्या नहीं किया मैंने आप दोनों के लिए, आपकी खुशी के लिए और आपकी खुशी के लिए। एक छोटा सा बच्चा था मैं, इसके बावजूद अपनी स्टडीज के साथ आपका बिजनेस ज्वाइन किया, करोड़ों का प्रॉफिट दिया मैंने आपको। डैडी, पिछले 10 साल में इस बिजनेस में आप एक डमी से ज्यादा क्या थे बताएं मुझे। सारा काम, सारा नाम, सारा पैसा सब मैंने कमाया, और आज जब मैंने अपना हक मांगा है तो मुझे मेरे ही ऑफिस में जाने से रोका जा रहा है। गुड जॉब मम्मी। वेल डन मम्मी, वेल डन, वेल डन डैडी। लेकिन एक बात आप दोनों याद रखिएगा, मुझे मेरे लीगल शेयर से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। किस हक की बात कर रहे हो तुम? तुम थे क्या? क्या आता था तुम्हें? तुम्हें बिजनेस में इसलिए साथ रखा था कि तुम कुछ सीख सको, तुम्हें बिजनेस की नो हाउ मिले, तुम्हारी ग्रूमिंग हो, जैसे चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, मछली अपने बच्चों को तैरना सिखाती है। तुम्हें सिखाने के लिए बिजनेस में रखा था, ताने सुनने के लिए नहीं। कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, ना ही किसी की ग्रूमिंग कर सकता है। सबकी अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं।
आपको क्या लगता है कि फायज अभी तक इस बिजनेस को चलाना क्यों नहीं सीख पाया? तुम हमारे मामलात में दखल मत दो। Excuse me. लेकिन ये इस सारे मामले में बोलेगी, क्योंकि ये हमारा मामला है, अलग नहीं है हम दोनों। हाँ, तुम दोनों तो एक हो और हम अलग। लेकिन रायान, एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूं किसी को भी एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। जब मैं मर जाऊं तो इससे बकरे करते रहना। डैडी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम इस महीने कनाडा जा रहे हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम किसी के मरने का इंतजार करें। शर्म हमने बस बस बीवी है ये मेरी, हरीम नहीं है, इज्जत है मेरी ये। भाई कंट्रोल योरसेल्फ, क्या तमाशा लगाया हुआ है? छोटे हो छोटे रहो, पर आप मां हैं, मां ही बन रहे। तुम इस तरह बात करोगे मुझसे? मेरा बेटा मुझसे इस तरह बात करेगा? आपका बेटा नहीं मामी, मेरे शौहर आपसे इस तरह बात कर रहे हैं। और ये बात आप अपने जहन में जितनी जल्दी बिठा सकती ना बिठा लें। ये आपका लाडला बेटा है ना, फाइज। अगर इस डूबती कश्ती को मजीद ना डुबाया ना इसने, तो नाम बदल दिएगा मेरा। आई विल नो लॉन्गर बी अ पार्ट ऑफ दिस सिंकिंग शिप। और हाँ, एक बात आप तीनों कान खोल कर सुनो, कल मैं अपने ऑफिस जाऊंगा, जो मुझे रोक सकता है रोक के दिखाए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी की ख्वाहिश है जाना तो उसको खुश दिली से जाने देना चाहिए। हाँ तो दफा हो जाना यहां से, किसने रोका है? उसके बाप ने नहीं बनाया है सब कुछ, मैंने बनाया है, जो यहां से समेट के ले जाना चाहती है। डैडी मुझे लगता है आपको रायान भाई की ख्वाहिश का भी एहतराम करना चाहिए। अगर वो मांग रहे हैं अपना हक तो दे दें। हमें मशवरे मत दो फैज, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर हम
रायान को बिजनेस से बेदखल कर देते हैं तो क्या तुम उसे संभाल सकोगे? जवाब देने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारे माँ बाप की उम्मीदों का दारोमदार तुम्हारे इस जवाब पर है। मम्मी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मुझे इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी डैडी और रायान भाई मुझे बहुत पहले इस बिजनेस से बेदखल कर चुके हैं। मैं आज एक जॉब इंटरव्यू के लिए गया था, मुझे जॉब मिल गई है एंड आई विल कंटिन्यू देयर। वाह, ये है हमारे बेटे फुरकान, जिन्हें खून देकर इतना बड़ा किया है। हमारी सारी कुर्बानियों, हमारी मेहनत, हमारी मोहब्बत का ये सिला मिल रहा है।